सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल तोटे सारा दा एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। तो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, बात करेंगे एमसीए की कहां पे सीजीसी लांड्रा में। तो जैसा कि आपको पता है 2024 के लिए जो एडमिशन सेशन है ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है, तो आपको ठीक है जिनको भी एडमिशन लेनी है सीजीसी लांड्रा में, अभी भी एमसीए के लिए जो एडमिशन चल रही है लास्ट की, ठीक है 5 से 10 सीट्स बची हुई है 2024 के एडमिशन के लिए। क्लासेस वगैरह है जो बैच 1 की स्टार्ट हो चुकी है, बैच 1 भी 5 से 10 दिन में स्टार्ट होने वाला है, तो लास्ट चांस रहने वाला है जिनको भी एडमिशन लेनी है। बहुत सारे बच्चों को अभी है जो बीसीए वगैरह का रिजल्ट आया और वो सोच रहे हैं कि अभी एडमिशन लेनी है, तो बहुत डाउट आ रहा था कि भैया एमसीए जो सीजीसी लांड्रा से कैसी रहेगी, कैसे एडमिशन होती है, क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है। तो मैंने सोचा आपको ये वीडियो भी बता दूं क्योंकि अभी लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है एडमिशन के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मैं कवर कर दूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि कितना टाइम बताए, कैसे आपकी एडमिशन होने वाली, क्या स्कॉलरशिप है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, प्लेसमेंट कैसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, यानी यहाँ से एमसीए करना वर्थ रहेगा यानी। तो शुरू करते हैं मैं अपनी वीडियो को, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब। तो वही सबसे पहले आपको बता दूं कि जो सीजीसी लांड्रा है वो क्या है। सीजीसी लांड्रा है चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जिसके अंदर दो कैंपस आते हैं, सीजीसी लांड्रा और सीजीसी जंजेड़ी। लांड्रा एक विलेज का नाम है जहां पे सीजीसी का कैंपस है, इसलिए उसको बोला जाता है सीजीसी लांड्रा। जंजेड़ी एक विलेज का नाम है, इसलिए उसको बोला जाता है सीजीसी जंजेड़ी। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं सीजीसी लांड्रा के बारे में, क्योंकि सीजीसी जंजेड़ी की एडमिशन क्लोज हो चुकी है। फिर सीजीसी लांड्रा में लास्ट की कुछ सीट्स बची हुई है। सीजीसी लांड्रा की अगर बात करें तो 2001 का एस्टैब्लिशमेंट है, लगभग आप कह सकते हैं कि 23 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है जो हो चुकी है। यहाँ पे 40 से भी ज्यादा अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो ऑफर किए जाते हैं। प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी ज्यादा लाजवाब है। अप्रूवल्स की बात करें तो NAC की A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है, UGC अप्रूव्ड है, AICTE अप्रूव्ड है, PTU अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है। प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोग्राम, कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम, बिजनेस मैनेजमेंट, फार्मेसी, कॉमर्स, ये सारे प्रोग्राम है जो ऑफर किए जाते हैं। हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम की, जिसके अंदर आपकी आती है एमसीए। यहाँ पे जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है उसके अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही कोर्स ऑफर किए जाते हैं। अंडर ग्रेजुएट आपका 3 साल के कोर्स रहते हैं, जिसमें 3 कोर्सेज होते हैं BCA, BSc ग्राफिक एंड वेब डिजाइनिंग, BSc मल्टीमीडिया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट है जो आपका 2 साल का कोर्स रहता है, जिसमें आपकी एमसीए इंक्लूडेड रहती है। तो यहाँ पे हम एमसीए के बारे में और ज्यादा डिटेल में बात कर लेते हैं। जिनको भी एडमिशन लेनी है, यहाँ पे जो स्टूडेंट इनटेक है वो लिमिटेड रहता है, ठीक है 200 से 250 बच्चे ही पर सेमेस्टर, मतलब कि 1 साल में लिए जाते हैं हर कोर्स के लिए। और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट जो सीट्स है फुल हो चुकी है, लास्ट की कुछ सीट्स बची हुई हैं और एडमिशन लेने के लिए भी लास्ट के 2 या 3 दिन ही बचे हुए हैं। तो जिनको भी एडमिशन लेनी है डायरेक्ट लिंक्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अब एडमिशन लेने के लिए आपको अपना एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया तो पता होना चाहिए। तो देखो, जिन लोगों ने भी BCA या बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पास कर रखी है, ठीक है पास कर रखी है, मतलब 40 से 50% आपके मार्क्स हैं, आपने पास कर रखी है 2 साल का, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। किसमें? एमसीए में। 2 साल का आपका एमसीए का कोर्स है जो रहने वाला है, तो डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगी, कोई भी एग्जाम वगैरह देने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आपने बीसीए कर रखी है या बैचलर्स ऑफ डिग्री मतलब बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रखी है, तो आपके डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे एमसीए में हो जाते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। फीस की बात करें तो फीस आपकी लगभग यहाँ पे तो 2 साल का कोर्स है और 4 सेमेस्टर रहने वाले हैं, तो 2 लाख रुपए लगभग आपकी रहेगी एकेडमिक फीस, और आप कह सकते हैं कि 2.5 लाख रुपए आपकी रहेगी हॉस्टल फीस। तो लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए का टोटल खर्चा आपका यहाँ पे रहने वाला है जो एमसीए करने में 2 साल का कोर्स, जिसमें आपका रहना खाना पीना सब कुछ इंक्लूड रहने वाला है, इससे ऊपर खर्चा आपका नहीं जाएगा। तो बहुत ही कम बजट में आपकी एमसीए यहाँ से हो जाती है। अब बात आती है कि भैया और कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल है, तो आपको बता दूं कि यहाँ पे सीजीसी लांड्रा में और कोई भी स्कॉलरशिप है जो कॉलेज की तरफ से ऑफर नहीं की जाती है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं तो यहाँ पे स्कॉलरशिप डिटेल्स पे जा सकते हैं और यहाँ पे जाके जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कॉलरशिप्स है वो देख सकते हैं, लेकिन कॉलेज की तरफ से और कोई भी स्कॉलरशिप ऑफर नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काफी ज्यादा कम है जो आपकी फीस है जो रहती है। उसके बाद अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो देखो, प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ देखने के लिए। देखो, सबसे पहला पॉइंट तो डायरेक्ट एडमिशन हो रही है, कुछ भी आपको एग्जाम नहीं देना, कम मार्क्स भी है तो भी डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगी। दूसरी बात है कि आधी फीस में हो रही है, किसी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओगे तो लगभग आपका 8 से 9 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ 4.5 से 5 लाख रुपए में आपकी टोटल एमसीए जो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट यहाँ पे जो रहती है ना, वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ ज्वाइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम रहता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपको पता ही होगा कि कितनी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो इनका जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ ज्वाइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और सीजीसी लांड्रा के जो मालिक है वो एक है, तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट प्रोग्राम है वो ज्वाइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम रहता है। यहाँ पे देख सकते हो ये सारे सीजीसी लांड्रा के बच्चे हैं जो प्लेसमेंट हो रखे हैं, ठीक है प्लेसमेंट सेलिब्रेशन में। अब बात आती है कि यहाँ पे अगर हम बात करें इनके हाईएस्ट पैकेज की, तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 54 LPA का हाईएस्ट पैकेज आपको देखने को मिल जाता है। 900 से भी ज्यादा कंपनीज है प्लेसमेंट के लिए आएंगे, 9000 से भी ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर्स मिले। एवरेज पैकेज की बात करें तो 4 से 5 लाख का एवरेज पैकेज आपको देखने को मिल जाएगा, जिसपे मैक्सिमम बच्चे हैं जो प्लेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 900 कंपनीज आई है इनमें से 500 से 600 कंपनीज आती है बीटेक सीएससी के लिए, जिसके लिए ठीक है जिनमें से आप कह सकते हो कि 300 से 400 कंपनीज आती है मास रिक्रूटर टाइप्स की, जो एक साथ बड़े बड़े बच्चों को मतलब बहुत सारे बच्चों को रिक्रूट करते हैं, और उनका पैकेज वेरी करता है 3 लाख से लेकर 6 लाख तक, और मैक्सिमम बच्चे उन्हीं पैकेजेस पे
यहाँ पे रिक्रूट होते हैं तो उनका जो एवरेज पैकेज है वो 4 से 5 लाख का बनता है। लेकिन आपको यहाँ पे जो कंपनीज रहने वाली है ठीक है, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40, 50 और 54 LPA तक आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। डिपेंड आपके ऊपर करने वाला है कि आप यहाँ पे ले सकते हो या नहीं। अब ये जो इतने सारे प्लेसमेंट रिकॉर्ड है ये बीटेक के लिए ऑफर किए जाते हैं, तो देखो जितनी भी कंपनी बीटेक के लिए आ रही है उन सभी कंपनी में जो एमसीए के बच्चे हैं वो एलिजिबल रहते हैं। जिन्होंने बीसीए प्लस एमसीए कर रखी है वो सभी के सभी उन कंपनी में प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल रहते हैं जो बीटेक के लिए आ रही है। तो मतलब आपको यहाँ पे 400 से 500 कंपनी में प्लेसमेंट देने का मौका मिलेगा, एग्जाम देने का मौका मिलेगा। कब मिलेगा? अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होगा, मतलब कि आपके 12th में अच्छे मार्क्स है, 10th में अच्छे मार्क्स है, उसके बाद आपके अगर एमसीए में अच्छे मार्क्स है, बीसीए में अच्छे मार्क्स है, तो आपको बहुत सारी कंपनी में प्लेसमेंट देने का मौका मिलेगा। प्लेसमेंट अगर आप क्रैक करते हो तो यहाँ पे आपको ठीक है 3 लाख से लेकर 50 लाख तक का पैकेज, डिपेंड करेगा कि आप कौन सा पैकेज है जो क्रैक करते हो। बट नो डाउट आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे काफी ज्यादा मिलने वाली है। एमसीए का आज तक का जो हाईएस्ट पैकेज है वो 22 लाख का है। ठीक है, कंपनीज की बात करें तो यहाँ पे विप्रो, जू, स्काईसेट, ठीक है, एक्सेंचर, सारी कंपनी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये था ठीक है कंप्लीट रिव्यू। उसके बाद अगर बात करें एडमिशन प्रोसेस की, हमारा एडमिशन कैसे होगा, तो एडमिशन बहुत ज्यादा सिंपल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया है जिसके ऊपर क्लिक करके आप अपना एडमिशन का फॉर्म भर सकते हो। एडमिशन का फॉर्म भरते ही आपको कॉलेज की तरफ से कॉल आएगा, आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट सबमिशन करते ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अगर आप यहाँ पे प्लेसमेंट एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल रहेंगे तो आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। फीस पेमेंट करते ही आपकी एडमिशन डन हो जाएगी और बैच 2 में आपकी क्लासेज है, मतलब 5 से 10 दिन में आपकी क्लासेज है जो स्टार्ट हो जाएगी सीजी सिकंदरा में। हॉस्टल लेना आपकी मर्जी, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर नहीं लेना तो मत लो। ठीक है, वो आपके ऊपर कोई भी मैंडेटरी नहीं है। हॉस्टल वैसे मैं रेकमेंड करूंगा, हॉस्टल ले तो आपको सस्ता भी पड़ेगा और एक अच्छी हॉस्टल लाइफ भी आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। तो और ऑनलाइन एडमिशन लेते समय एक बात का खास ध्यान रखें, किसी प्रकार की जो फीस पेमेंट वगैरह आपको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स या लिंक या व्हाट्सएप के ऊपर नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपको कोई भी पेमेंट करनी है तो सीजीसी लांडरा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही करें, इस बात का खास ध्यान रखें। फिर भी अगर कोई डाउट वगैरह आता है तो मुझे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से जो हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।